In this video, we will discuss about Leucorrhea, important topic for university exam. आप इस वीडियो को अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो Leucorrhea को स्टार्ट करने से पहले ये एक छोटा सा चार्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज. हमें एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज क्यों देखने के लिए मिलता है? इट कैन बी ड्यू टू सम नॉन इन्फेक्टिव कॉज, और इट कैन बी ड्यू टू सम इन्फेक्टिव कॉज, या फिर ड्यू टू सम न्योप्लास्टिक कंडीशन, या फिर ड्यू टू सम फॉरन बॉडी. तो ये फोर इम्पॉर्टेंट कॉज है फॉर एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज. इस चैप्टर में हम लोग दो इम्पॉर्टेंट हेडिंग को डिस्कस करेंगे, एक तो Leucorrhea जो कि नॉन इन्फेक्टिव कॉज है फॉर एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, और दूसरा वल्वल प्लूराइटिस जो कि इन्फेक्टिव कॉज है फॉर एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज. तो हम लोग कैसे क्लिनिकली डिस्टिंग्विश करेंगे क्या ये नॉन इन्फेक्टिव है या फिर इन्फेक्टिव है? बेस्ड ऑन IOP, ये निमोनिक है, दैट इज़ इंट्रा ऑकुलर प्रेशर. आई फॉर इरिटेंट, ओ फॉर ऑफेंसिव एंड पी फॉर पुरुलेंट. अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हमें देखने के लिए मिलता है तो हम लोग वैसे कॉज को बोलेंगे इन्फेक्टिव कॉज फॉर एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज. और अगर ये तीनों एबसेंट मिलता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज नॉन इन्फेक्टिव कॉज फॉर एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज. और अंडर नॉन इन्फेक्टिव हम लोग क्या पढ़ते हैं? Leucorrhea को पढ़ते हैं. Leucorrhea इज स्ट्रिक्टली डिफाइंड एज एन एक्सेसिव नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज. साथ में कुछ कुछ क्राइटेरिया है, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो ही हम लोग बोलेंगे क्या दिस एक्सेसिव नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज इज Leucorrhea. कौन कौन सा क्राइटेरिया है? द एक्सेस सेक्रेशन इज एविडेंट फ्रॉम परसिस्टेंट वल्बल मॉइस्टनेस और स्टेनिंग ऑफ द अंडरगारमेंट. ये जो सेक्रीशन है ये एक्सेस है या नहीं है तो हम लोग इसको कैसे एसेस करेंगे? फ्रॉम परसिस्टेंट वल्वल मॉइस्टनेस और स्टेनिंग ऑफ द अंडरगारमेंट. और साथ में तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स, दैट इज इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, ठीक है, आई फॉर इरिटेंट, ओ फॉर ऑफेंसिव एंड पी फॉर पुरलेंट, ये सारा एबसेंट होना चाहिए. साथ में यहाँ पे कभी भी इचिंग प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो वही यहाँ पे लिख रखा है नेवर कॉज प्रूराइटिस. तो टोटल ये थ्री क्राइटेरिया है, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो हम लोग एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज को Leucorrhea बोल सकते हैं. फिजियोलॉजी ऑफ Leucorrhea, तो ये समझना बहुत आसान है. किसी भी कारण से अगर एस्ट्रोजन का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ता है तो क्या होगा? जो सेक्रेटरी एक्टिविटी है इंडो सर्वाइकल ग्लैंड का, वो बहुत ड्रेस्टिकली इंक्रीज करेगा. साथ में जो सुपरफिशियल वजाइनल एपिथेलियल सेल है दैट विल बिकम रिच इन ग्लाइकोजन. और फाइनली यहाँ पे जो ग्लाइकोजन है दैट विल स्प्लिट ऑफ एंड विल बी फर्मेंटेड इनटू लैक्टिक एसिड. और ये दोनों मिलके क्या करता है? एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज करवाता है. टॉकिंग अबाउट कॉज, क्या कौन कौन सा कॉज है जिस वजह से एस्ट्रोजन इंक्रीज हो रहा है, या फिर कौन कौन सा ऐसा कॉज है जिस वजह से हमें एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज देखने के लिए मिल रहा है? तो कॉज को मैंने थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड किया है. एक तो फिजियोलॉजिक कॉज, जहाँ पर कि एस्ट्रोजन के इंक्रीज होने की वजह से हमें वजाइनल डिस्चार्ज देखने के लिए मिलता है. दूसरा सर्वाइकल और वजाइनल कॉज, जहाँ पे ड्यू टू सम अंडरलाइंग पैथोलॉजी के वजह से हमें इंक्रीज्ड वजाइनल डिस्चार्ज देखने के लिए मिलता है. सर्वाइकल कॉज में क्या क्या है? सर्वाइकल एक्टोपी, क्रोनिक सर्विसाइटिस, म्यूकस पॉलिप एंड एक्ट्रोपियन. एक्ट्रोपियन को थोड़ा समझते हैं. सपोज दैट क्या कोई ग्लैंड है ना, वो विदिन है, किसी भी स्ट्रक्चर के विदिन है, और अगर किसी भी कारण से वो ग्लैंड एक्सपोज हो जाता है सरफेस पे, तो क्या होगा? उसका इरिटेशन होगा. और जब भी किसी ग्लैंड को हम लोग इरिटेट करते हो क्या करता है? स्टार्ट करना, वो म्यूकस स्टार्ट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, या फिर जो भी उसके अंदर सेक्रीशन है उसे वो एक्सपेल आउट करने लगेगा, ठीक है. तो सेम चीज़ यहाँ पे लागू होता है. अंडर फिजियोलॉजिकल कॉज, प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट. सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान हमें पता है जो बार्थोलिन ग्लैंड है वहाँ से हमें सेक्रीशन देखने के लिए मिलता है. टॉकिंग अबाउट वजाइनल कॉज, वजाइनल कॉज में हमें एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज क्यों देखने के लिए मिलता है? दिस इज ड्यू टू इंक्रीज्ड पेल्विक कंजेशन. और इंक्रीज पेल्विक कंजेशन हमें क्यों देखने के लिए मिलता है? ड्यू टू यूट्राइन प्रोलैप्स, एक्वाइर्ड रेट्रोवर्टेड यूट्रस, क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लामेशन, पिल यूज एंड वजाइनल एडिनोसिस.
तो ये सारा फिर से मैं रिपीट करूँगा जब हम लोग ट्रीटमेंट की बात कर रहे होंगे। ट्रीटमेंट में अगर सर्वाइकल कॉज है तो जो भी सर्वाइकल कॉज है उसको हम लोग ठीक करेंगे। अगर वजाइनल कॉज है तो जैसे यूट्राइन प्रोलैप्स है तो यूट्राइन प्रोलैप्स को ठीक करेंगे, तो खुद ब खुद जो डिस्चार्ज है, जो ल्यूकोरिया है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट पैथो फिजियोलॉजी ऑफ ल्यूकोरिया और वजाइनल डिस्चार्ज। टॉकिंग अबाउट इवेल्युएशन ऑफ पेशेंट विथ वजाइनल डिस्चार्ज और इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ल्यूकोरिया और वजाइनल डिस्चार्ज, अगर क्वेश्चन वजाइनल डिस्चार्ज पे भी आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो हम लोग सेम चार्ट फॉलो करेंगे। याद करने का तरीका बहुत आसान है। पेशेंट हमारे पास ओपीडी में जब भी आता है तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री लेने के बाद हम लोग कुछ एग्जामिनेशन करते हैं, तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन का हेडिंग बना देगा, और आफ्टर दैट हम लोग कुछ कुछ टेस्ट को लिखते हैं ना। तो ये तीनों हेडिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये डेली ओपीडी प्रोसीजर है। हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पूछते हैं क्या क्या तकलीफ़ है। हमारा चैप्टर क्या है, चैप्टर वजाइनल डिस्चार्ज का, तो फीमेल तकलीफ क्या बताएगी, क्या डिस्चार्ज हो रहा है। अब डिस्चार्ज से रिलेटेड हम लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ड्यूरेशन क्या है, इचिंग प्रेजेंट है या नहीं है, डिस्चार्ज एसोसिएटेड है या नहीं डिस्यूरिया, डिस्पेरिनिया और पेल्विक पेन के साथ, ठीक है। साथ में हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है क्या पिलयूज से भी वजाइनल डिस्चार्ज हमें देखने के लिए मिलता है। सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में पता करेंगे, और प्रीवियस एपिसोड्स का भी देखने के लिए मिला था या नहीं मिला था इसके बारे में हम लोग पता करेंगे। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था क्या इल हेल्थ और पुअर न्यूट्रिशन दोनों इम्पोर्टेंट कॉज है फॉर वजाइनल डिस्चार्ज, तो हम लोग फीमेल का बिल्ट और न्यूट्रिशन देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे। एग्जामिनेशन में सबसे पहले ब्रॉड एरिया दैट इज़ एबडोमन, तो हम लोग एबडोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर एक पार्टिकुलर एरिया दैट इज़ पेल्विक, तो पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे। और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ स्पेकुलम हम लोग वजाइना और सर्विक्स को एग्जामिन करेंगे। इन तीनों कंडीशन में हमें क्या देखना है, हमें देखना है क्या कोई टेंडरनेस प्रेजेंट है या नहीं, कोई मास प्रेजेंट है या नहीं। और उसके बाद क्या करना है, उसके पहले क्या करना है, हमें जो जेनाइटल एरिया है उसको अच्छे से एग्जामिन करना है, और वहाँ पे कोई डिस्चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो उसका कैरेक्टर क्या है, उसको हम लोग को एग्जामिन करना है। और फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर कराएंगे। इन्वेस्टिगेशन में जो डिस्चार्ज है, ठीक है, उसको हम लोग टेस्ट के लिए भेजेंगे, जिसमें हम लोग वेट फिल्म टेस्ट, KOH टेस्ट और डिस्चार्ज फॉर ग्राम स्टेनिंग कराते हैं, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलेगा कि कॉज जो है वो इन्फेक्टिव है या नॉन इन्फेक्टिव है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ल्यूकोरिया, दिस इज़ नॉन इन्फेक्टिव। इसके अलावा हम लोग पैप स्मेयर यूरिन फॉर रूटीन एग्जामिनेशन एंड कल्चर सेंसिटिविटी, HIV, सीरोलॉजी, ब्लड टेस्ट व्हेन PID सस्पेक्टेड कराएंगे। तो ये पूरा चार्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं। यहाँ पर ट्राइकोमोनास, वजाइनलिस, क्लू सेल्स, विप टेस्ट, ये सारा मैंने डिस्कस किया था इससे पहले वीडियो में, ठीक है, तो उसे आप लोग देखें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइकोमोनास वजाइनलिस में हमें कैसा डिस्चार्ज देखने के लिए मिलता है, क्लू सेल हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है ना, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, तो ये सारा ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग देखें। ये चार्ट याद करना बहुत आसान है, मैंने फिर से मैं तरीका को रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, और फिर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। एग्जामिन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम बिल्ट और न्यूट्रिशन देखेंगे, उसके बाद एक ब्रॉड एरिया को पकड़ेंगे दैट इज़ एब्डोमेन, उसके बाद एक पार्टिकुलर एरिया पेल्विक, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ स्पेकुलम हम लोग वजाइना और सर्विक्स को एग्जामिन करेंगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज और ल्यूकोरिया। नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकोरिया, तो ये याद करना बहुत आसान है। मैंने जहाँ पे कॉज बताया था तो वहाँ पे मैंने बोला था क्या तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजियोलॉजिकल, सर्वाइकल एंड वजाइनल कॉज। तो अगर सर्वाइकल फैक्टर है, जैसे कि सर्वाइकल एक्टॉपिक, क्रोनिक, सर्विसाइटिस, म्यूकोसल पॉलिप या फिर एक्ट्रोपियन, तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोकॉटरी, क्रायोसर्जरी या फिर ट्रैकलोरैफी कर सकते हैं। अगर पेल्विक कंजेस्टेड है तो जो अंडरलाइंग पैथोलॉजी है, जैसे कि यूट्राइन प्रोलैप्स, एक्वाइड रेट्रोवर्टेड यूट्रस, क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लामेशन, उसको ठीक करेंगे। एवर ऑल लोकल हाइजीन हैज़ टू बी मेंटेन्ड मेटिकुलसली। और साथ में अगर फीमेल हिस्ट्री दे रही है, क्या वो पिल यूज़ कर रही है, तो उसको भी हम लोग टेम्पोरली बोलेंगे क्या बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है क्या पिल से भी हमें वजाइनल डिस्चार्ज देखने के लिए मिलता है। दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रीटमेंट। थैंक यू।